आज हम बनाने जा रहे हैं एक यमी सी खिचड़ी, मसाला खिचड़ी। मैंने मूंग की दाल धुली हुई ली है और चावल, जो खिचड़ी का थोड़ा मोटा चावल आता है ना, वो लिया है। तो पौना पौना कटोरी मैंने दोनों ली हैं बराबर। बहुत छोटी कटोरी थी जिसमें एक आलू मैंने काट के साथ भिगो दिया है। दो तीन बार इसको पानी से अच्छे से साफ कर लिया है और आधा घंटा इसको भीगे हुए हो गया है। तो आइए इसका मसाला बनाते हैं। तो ये बनाने जा रहे हैं हम कुकर में खिचड़ी। कुकर में मैंने 2 चम्मच देसी घी डाल लिया है। इसको गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है, 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें जीरा और 2 पिंच हम डालेंगे इसमें हींग। ये खिचड़ी ना बहुत बहुत यम्मी लगने वाली है। और इसके बाद हमने लिया है ये 2 कटा हुआ प्याज, आप ये खिचड़ी ज़रूर बनाकर देखिएगा। जैसे कभी होता है ना कि हमें बस और शाम को कुछ नहीं बनाना है, तो खिचड़ी बना सकते हैं। बस आधा घंटा उसको भिगोना है। धुली मूंग की दाल नहीं हमने इसमें डाली है, छिलका मूंग ली है। और जितनी जितनी क्वांटिटी में मैं जो चीज़ें ले रही हूँ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये देखिए, हम इसमें 1 चम्मच ना ये कुटा हुआ लहसुन डाल देंगे। 5 से 6 कली लहसुन है कुटा हुआ, इसको भी डाल देंगे। और हल्का ब्राउन होने तक ना इनको भुनेंगे। प्याज भुनना शुरू हो गई है, लेकिन अंदर से आपको ब्राउन लग रही है, ऊपर ऐसे ज़्यादा भुनी नहीं है। तो बस लहसुन भुनते ही हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। प्यूरी डालने से पहले ना हम थोड़ी सी डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून, बहुत कम मैं यूज़ करती हूँ। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार हम डालेंगे इसमें नमक। और इसको भी 1-2 सेकंड के लिए ऐसे भून लेंगे। यकीन मानिए ये इतनी टेस्टी खिचड़ी लगती है, बहुत ज़्यादा। मसाला भून गया है और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें 3 टमाटर की बनी हुई प्यूरी, है ना। इसको भी अच्छे से भूनेंगे। इस तरह से आप खिचड़ी बनाकर देखिए, आप खाते रह जाएंगे। इतनी जल्दी ये खिचड़ी बनती है, कुकर में बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। और इसमें से मैंने 2 चम्मच ना प्याज का भुना हुआ मसाला निकाल लिया है ऊपर से सजाने के लिए। और टमाटर अच्छे से भून जाए फिर हम ये चावल और दाल डालेंगे। 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें ये किचन किंग। और देखिए, जब इस तरह से मसाला भुन जाए ना, आप साइडों में देख रहे हैं तेल छोड़ना शुरू कर दे, तब हम डालेंगे खिचड़ी। यानी हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। ये भीगी हुई खिचड़ी जो है वो हम इसमें डाल देंगे और ये बहुत बहुत अच्छी लगती है। और आप समझिए, जैसे छोटी कटोरी मैंने ली है, आप 1/2 कप सोच सकते हैं, 1/2 कप दाल और 1/2 कप चावल। इसको भी सारी खिचड़ी को डाल के ना हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए, इस तरह से हम इनको भून लेंगे खिचड़ी को। हमें भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गया है। देखिए, अब हमें इसमें ऐड करना है पानी और 1/2 इंच के करीब ना ऊपर हो पानी, 1/2 पौन इंच ऊपर होना चाहिए। और जब हमें इसका नमक देखना है, बाद में नमक मिलाना ना बहुत मुश्किल होता है खिचड़ी में, तो आप यहीं पे ना जब जितना पानी आपको डालना है उतना डालने के बाद टेस्ट करके देख लें नमक कि क्या नमक ठीक है। अगर ठीक है तो नहीं डालें, और कम है तो आप ऐड कर दें। आप देखिए, बॉयल आना शुरू हो गया और इतना ऊपर हमने इसका पानी लिया है, है ना, एक पूरा जैसे ऊपर 1 इंच ऊपर पानी लिया है। अब हम कुकर को बंद करेंगे और इसकी 3 से 4 विसल आने देंगे। ये कुकर का प्रेशर अपने आप निकल गया है। 4 विसल लगाई है हमने और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये खिचड़ी हो गई है। देखिए, है ना बढ़िया। देखिए कितनी अच्छे से गल गई है। और कंसिस्टेंसी आपको जैसी रखनी है ना, आप वैसे रख सकते हैं। बट अगर आप पुलाव की तरह इस तरह की खिचड़ी को खाना चाहते हैं तो ये तरीका है। हमने थोड़ा सा ना इसमें गरम मसाला भी डाला था। तो आइए करते हैं इसकी प्लेटिंग। हमने जो प्याज का मसाला निकाला था ना, उसको हमने ऊपर से सजा दिया है। और थोड़ा सा डालेंगे हम इसके ऊपर ये घी। घी से खिचड़ी बहुत यम्मी लगती है। और देखिए, हमारी ये गरम गरम खिचड़ी बनकर तैयार है। बहुत टेस्टी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।
बहुत अच्छे से गल गई है, बहुत बढ़िया।